नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णमासी का बहुत अधिक महत्व होता है। शनिवार को आश्विन और शरद पूर्णिमा के अवसर पर 13 प्रखंड के विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर धार्मिक कर्मकांड संपन्न करवाया। शनिवार को सूर्योदय कल से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ संख्या में शामिल होने के कारण ही पूरे क्षेत्र में मेला जैसा नजारा दिखा। अब रविवार से एक महीने तक चलने वाला कार्तिक स्नान शुरू होगा। अयोध्या मिथिला गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के कारण चहल पहल काफी रही। गंगा घाट पर लगाए गए विभिन्न दुकानों श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। आश्विन शरद पूर्णिमा का विशिष्ट महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु गंगा में वास करते हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री ने बताया कि इस पूरे कार्तिक के पवित्र माह में देवता मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर रहते हैं और आने वाले कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव आखिरी बार स्नान दान आदि करते हैं और इसके बाद अपने देवलोक लौट जाते हैं। इस कारण आने वाले पूरे माह में ही दान स्नान पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग पूरे माह स्नान दान और पुण्य नहीं कर सके वे कम से कम पूर्णिमा के दिन स्नान दान और जप आदि कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं महादेव घाट, चिमनी घाट, सूर्य नारायण, बोल्डर घाट सहित विभिन्न घाटों पर भी श्रद्धालुओं की बड़ी भारी भीड़ लगी रही। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।